हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि हम अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत करें या उसको दान पत्र के थ्रू दे दें, यानी गिफ्ट डीड बना के दें या विल बना के दें। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे व्यूअर्स का आया है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी किस तरह दें ताकि भविष्य में ना तो हमें दिक्कत हो ना बच्चों को दिक्कत हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जिंदा रहते हैं और अपने जिंदा रहने में ही वो अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को देते हैं। और ऐसा देखा भी गया है समाज में कि बच्चे कोई लगता है कि इस पे मेरा ओनरशिप हो गया तो वो अपने माँ बाप को ही घर से बेघर करने लगते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है कि घर से निकाल भी देते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत सारे। तो इसीलिए हर एक पेरेंट्स के हित में क्या बेहतर होगा कि वो अपने प्रॉपर्टी का क्या करे, कहने का मतलब गिफ्ट डीड करे या विल करे अपने जीते जी। क्योंकि दोनों में से एक करना तो उनको जरूरी ही होगा, नहीं तो उनके मरने के बाद बच्चे आपस में लड़ेंगे अपने हिस्से के लिए, बंटवारा के लिए। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने जीते जी ही अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अपने जीते जी उनको बंटवारा तो कर देंगे, लेकिन वो अपने हित में रखते हुए कि जब तक वो जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी में उनके बच्चों हाथ ना लगा सके। तो इसलिए उनको इस स्थिति में अपने हित को भी देखना है और बच्चों के भी हित को देखना है। तो इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, गिफ्ट डीड बनाना चाहिए या विल बनाना चाहिए, तो इसे बताऊंगा। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह एक बार ही यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारा मैटर ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप के मरने के बाद बच्चे आपस में प्रॉपर्टी को लेके लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कई कबार ऐसा भी देखा गया है कि भाई भाई का मर्डर कर देते हैं। तो आजकल सभी लोग शिक्षित हो गए हैं और शिक्षित होने के कारण उनको ये रहता है, हर माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने जीते जी कुछ ऐसा काम कर जाऊं जिससे कि बच्चे आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई ना करें। तो इस स्थिति में वो चाहते हैं कि अपने जीते जी अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करके जाऊं। लेकिन ये करने के लिए वो तो चाहे प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हैं या विल डीड करते हैं, जो भी है इस तरीके के करते हैं, लेकिन कभी कभार उनका उल्टा इम्पैक्ट आ जाता है माँ बाप पे कि उन्हें ही घर से बेघर करने लगते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट डीड और विल की यदि बात करें दो पॉइंट का, देखिए गिफ्ट डीड यदि आप करते हैं तो वहां पे आपका पूरा का पूरा ऑनरशिप खत्म हो जाता है। यानी जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं डीड के थ्रू, उसको रजिस्टर्ड भी करवाते हैं गिफ्ट डीड को, तो जिसको करते हैं एट ए टाइम वो उसका मालिक बन जाता है। जो भी माँ बाप अपने बच्चे को जिस जिस रेशियो में करते हैं उस रेशियो में उसी समय वो मालिकाना हालक मालिक बन जाता है मकान का, या जो भी प्रॉपर्टी है, दुकान है, घर है, जितने भी प्रॉपर्टी है, जिस जिस प्रॉपर्टी का आपने गिफ्ट किया, जिस जिसके फेवर में जितना उसका वो मालिक बन जाता है। फिर आपको दिक्कत देने लगता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिक्कत देने लगते हैं। तो आपके लिए बेहतर क्या होगा, यानी जितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि मेरा मालिकाना हक इस पे कायम रहे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें हमारे बच्चे हमें ही ना बेघर कर दें, तो इन सब से बचने के लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप गिफ्ट डीड के थ्रू बच्चों को प्रॉपर्टी का बंटवारा ना करें, प्रॉपर्टी ना दें, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का ना करें। आप सबसे बेहतर है कि विल बना लें, प्रॉपर्टी का वसीयत बना लें और वसीयत को रजिस्टर्ड कर दें। वसीयत में सारी चीजें लिख दें जो प्रॉपर्टी है
जितने रेशियो में जिनको देना है जहां से उसमें सारा चीज पूरा क्लियर करके मेंशन कर, जो भी प्रॉपर्टी है, खेत है, दुकान है, जो भी है उसका चौहद्दी, जो खाता नंबर, खेसरा नंबर, जितना डिटेल है वो मेंशन करके उसको जिस जिस बच्चों को आपको देना है जिस रेशियो में वो सारा मेंशन करके उसको रजिस्टर्ड करवा दें। यहाँ तक कि यदि बैंक में कोई बैलेंस है उस पैसे को भी यदि उनको देना है तो वो भी चीज़ उसमें मेंशन करते हैं कि बैंक में इतने की एफडी है, ये है, ये पूरा होने के बाद ये नॉमिनी है इसके, इनको इतना मिलना चाहिए, इनको इतना, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी, विल का मतलब ही होता है, अब जो जो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उस सारे प्रॉपर्टी का आप उसमें जिक्र करके जिस जिस रेशियो में देना चाहते हैं, जैसे देना चाहते हैं मेंशन कर दें और उसको दे दें। क्योंकि विल में ऐसा होता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक उस पे हक आप ही का रहेगा, आपके बच्चे उसको छू भी नहीं सकते, उसको बेचना तो दूर की बात है, लेकिन यदि गिफ्ट आप कर दिए तो वो चाहे तो आज गिफ्ट किए कल होके वो बेच डालेगा उसको, क्योंकि ऑनरशिप तो उसके हाथ में चला जाएगा। तो आप यदि अपने जीते जी बच्चों का भी भविष्य देखना चाहते हैं कि बच्चे आपस में लड़े ना हमारे मरने के बाद, तो विल बनाए, विल से दोनों ही सुरक्षित रहेंगे।